नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? फिलहाल यहाँ तो बारिश का मौसम है। जब बारिश होती है तब ठंडक बनी रहती है, उसके बाद जो गर्मी होती है ना, क्या बताऊँ। वैसे मैं आज आटे के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आशा है आप सबों को पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें आटा चाहिए, चीनी चाहिए, शक्कर और घी चाहिए, देसी घी। आटा मैंने 250 ml ले लिया है, चीनी भी मैंने 250 ml लिया है, और घी भी हम 250 ml ही यूज़ करते हैं, और गर्म पानी हम 250 ml के 2 कप लेते हैं। तो अब हमने कढ़ाई में घी को डाल दिया है और उसमें हमने अपने 250 ml का आटा उसमें डाल दिया है 1 कप, और उसको भून लेंगे थोड़े से, हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बाकी जो हमारा घी था ना, जो हमने बचा कर रखा था, उसको भी हमने डाल दिया है। पूरे 250 ml घी इसमें पड़ता है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी ना, भीनी भीनी से बहुत अच्छी खुशबू आती है आटे की। तब तक हम इसको भूनेंगे। आटे ने थोड़ा सा अपना रंग भी बदल दिया है। अब हम इसमें 2 कप, 250 ml के 2 कप हम इसमें पानी, गर्म पानी डाल देते हैं, और इसको भी हम अब मिक्स करेंगे। इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए, अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है। जब मैंने खाया ना, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना टेस्टी है ये। वैसे ये रेसिपी मेरे फ्रेंड पूनम की है, उसने ही आकर मेरे घर में मुझे बनाकर दिया था। बहुत ही टेस्टी है। वो हरियाणा से है, तो बोली उसके घर में जैसे वहाँ गांव में बनता है, वैसे ही उसने यहाँ पर भी बनाया है। बहुत टेस्टी है। अब हम इसमें शक्कर मिला लेंगे, 250 ml शक्कर को मिला लेंगे। जैसे हम शक्कर डालते हैं थोड़ी सी लूज हो जाती है, उसके बाद फिर वो बाइंड होने लगती है, टाइट हो जाती है। फिर से शक्कर जब मिल जाती है ना आटे में अच्छी तरह से, बहुत ही टेस्टी है ये। वो देखिए, अब वो बाइंड होने लग गया ना, अब हलवा अपना रूप ले रहा है। देखिए हलवा एकदम तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। आशा है आप सबों को बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सबों का धन्यवाद।